की पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से सावन मास शुरू हो जाता है। इस बार सावन मास की शुरुआत 14 जुलाई यानी आज से हो रही है। 14 जुलाई से शुरू होने के बाद इसका समापन 12 अगस्त को होगा। हिंदू धर्म में सावन महीने को काफी शुभ माना जाता है। सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न किया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन में शादीशुदा और कुंवारी महिलाएं व्रत रखती हैं। सावन के पहले दिन आज उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर में विशेष आरती हुई। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों की भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं यहां विशेष भस्म आरती भी की गई। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, इसलिए सावन में विधि विधान के साथ व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही उनकी मनचाही इच्छा भी पूरी होती है। कुवारी कन्या इस व्रत को खास तौर पर अच्छे वर के लिए रखती हैं। देवों के देव महादेव के पसंदीदा इस महीने में उनकी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा के लिए कच्चा दूध, काले तिल, भांग के पत्ते, बेलपत्र, धतूरा और गुड़ भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह पूजा करने से शिव शंकर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। आज से सावन का महीना शुरू हुआ है तो वहीं पूरे देश में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, जिसमें दिल्ली और एनसीआर से अधिक संख्या में कांवड़िए हरिद्वार और गोमुख जाते हैं। सावन के महीने का प्रमुख पर्व कांवड़ मेला 14 जुलाई यानी आज से शुरू हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 26 जुलाई तक इस कांवड़ मेले का आयोजन किया जाएगा, जब देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िए पैदल या डाक कांवड़ के जरिए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेने पहुँचते हैं। दिल्ली और एनसीआर से भारी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री धाम और ऋषिकेश से पवित्र गंगा जल लेने जाते हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस की तरफ से कई इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन भी किया है, जिससे कि कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं और यातायात से जुड़ी समस्या ना हो। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के लिए अलग अलग संगठनों द्वारा रास्तों पर शिविर भी लगाए गए हैं। इन शिविरों के जरिए कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को भोजन, विश्राम आदि की सुविधा दी जाती है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली मीट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। मेरा नमो नमो शंकरा।